वेलकम टू द पिंक सिटी जयपुर, जो कि राजस्थान की राजधानी है। जयपुर शहर की पहचान यहाँ के महलों और पुराने घरों में लगे गुलाबी धौलपुरी पत्थरों से होती है। सन 1876 में महाराज सवाई मानसिंह जी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, प्रिंस ऑफ वेल्स और युवराज एल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजा दिया था। तभी से शहर का नाम पिंक सिटी के नाम से मशहूर हो गया। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर। सबसे पहले हेरिटेज ऑफ रॉयल राजस्थान चौकी धानी, जहां आपको रूरल कल्चर ऑफ राजस्थान देखने को मिलेगा और राजस्थान की अद्भुत कला संस्कृति देखने को मिलेगी। लगभग 10 एकड़ में बसा है चौकी धानी। जंतर मंतर, जिसमें 19 प्रमुख यंत्र हैं जो कि समय मापने, सूर्य चंद्रमा और ग्रहों की भविष्यवाणी करने में मदद करता है, और यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। सिटी पैलेस, एक पूर्व शाही निवास जो कि पुराने शहर के बीचों बीच स्थित है। भूरे संगमरमर के स्तंभों पर टिके सोने और रंगीन पत्थरों की फूलों वाली आकृतियों से अलंकृत है। आज भी राजा और उनकी रॉयल फैमिली का निवास घर है। सिटी पैलेस का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह जी ने करवाया था। एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, जयपुर का सबसे पुराना म्यूज़ियम, जहां आपको ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, ज्वेलरी, कारपेट्स, आइवरी स्टोन सब देखने को मिलेगा, जो आज भी बेहद खूबसूरत नज़ारा है। हवा महल भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि महल का आकार भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा दिखता है। हवा महल का बेस्ट व्यू आपको सामने से टॉप पर टैटू कैफे से मिलेगा, जहां से बेहद अद्भुत नज़र आता है हवा महल। आमेर फोर्ट, जो कि मेन सिटी से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है और एक पहाड़ी पर स्थित है। सबसे पॉपुलर फोर्ट जयपुर का, जहां कई मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है, जैसे कि जोधा अकबर, बाजीराव मस्तानी और ऐसी अनेक फिल्में यहां शूट की गई हैं। रोज़ सुबह 8 से शाम 5:30 तक खुला रहता है। यहां आप हाथी की सवारी भी कर सकते हैं। 16वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण हुआ था। नाहरगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ का किला जयपुर को घेरे हुए अरावली पर्वतमाला के ऊपर बना हुआ है। अरावली की पर्वत श्रृंखला के छोर पर आमेर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस किले को सवाई राजा जय सिंह जी ने बनवाया था। यहां से जयपुर मेन सिटी का व्यू बेहद मनमोहक है। जयगढ़ फोर्ट राजपूतों के लिए तोप खाने के उत्पादन का केंद्र था। यह अब जयवाना का घर है। 1720 में इसके निर्माण के समय यह प्रारंभिक आधुनिक युग के पहियों पर दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी। जिस फाउंड्री में इसे बनाया गया था वह भी यहीं स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण महाराजा जय सिंह जी ने आमेर दुर्ग एवं महल परिसर की सुरक्षा हेतु करवाया था और इसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। जल महल, राजा अपनी रानी के साथ खास वक्त बिताने के लिए इस महल का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा राजसी उत्सवों पर भी महल का इस्तेमाल होता था। 5 मंजिला इस जल महल की सबसे खास बात यह है कि इसका सिर्फ 1 मंजिल ही पानी के ऊपर दिखता है, जबकि बाकी के 4 मंजिल पानी के नीचे हैं। बापू बाज़ार में आप शॉपिंग कर सकते हैं। बांधनी साड़ी, सूट, लहंगा,
जयपुर की फेमस मार्केट्स में से एक है बापू बाजार। जौहरी बाजार, ये भी एक फेमस मार्केट है जयपुर की, जहां आप कपड़ों से लेकर ज्वेलरी और मोजड़ी भी देख सकते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खम्मा घानी।